आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 स्ट्रेटजीज ऑफ ब्लॉगिंग। आप जो ब्लॉगिंग करोगे, अपने बिजनेस के लिए कंटेंट लिखोगे, तो उसके लिए 5 स्ट्रेटजी मैं आप बताने वाला हूं। 5 टाइप का अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा आपके बिजनेस के लिए। चलिए, पहला जो स्ट्रेटजी है वो आपका मेक हाउ टू कंटेंट। हाउ टू कंटेंट और ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट आपको ये बनाना चाहिए आपके बिजनेस में। हाउ टू कंटेंट, जैसे कि हाउ टू यूज आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर कैसे यूज करेगा। हाउ टू अप्लाई, अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो हाउ टू अप्लाई। जैसे कि हम लोग सेलोपेडिया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम लोग भी ब्लॉग्स लिखते हैं, जैसे कि आपके लिए, जैसे कि हाउ टू रन फेसबुक एड, हाउ टू रैंक योर बिजनेस इन लोकल SEO। तो इस टाइप का हम लोग भी ब्लॉग कंटेंट लिखते हैं। तो ये हुआ हाउ टू, इससे कस्टमर को ट्यूटोरियल मिलता है कि किस तरीके से काम को करेगा, किस तरीके से इस चीजों को करेगा, किस तरह से आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज करेगा। तो ये हाउ टू कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा ब्लॉगिंग है, आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को ब्लॉग कर सकते हो। ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई सर्विस है, उसका फीचर क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, इससे आपका कस्टमर का क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उसका कोई टेक्निकल डिटेल्स क्या है, टेक्निकल डिटेल्स होते हैं सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। इसको आप ब्लॉग कंटेंट बना सकते हो। ये बहुत काम का चीज़ है, इससे आपका प्रोडक्ट ब्लॉग के थ्रू प्रमोट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल बेस्ड ब्लॉग कंटेंट। टेस्टिमोनियल मतलब क्लाइंट का जो फीडबैक है, टेस्टिमोनियल है, या फिर क्लाइंट आपके बारे में जो बोल रहे हैं, या फिर क्लाइंट का जो स्टोरी है, आप अपने ब्लॉग पे फीचर कर सकते हो। सपोज मान के चलते हैं आपने क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो उसको आप अपने ब्लॉग के थ्रू एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना सकते हो। इससे जो रीडर को ना बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिल जाता है उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट पे स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो स्टोरीज के थ्रू आप कस्टमर को बता सकते हो कि किस तरह से आप उस क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो उस रिलेटेड जितने सारे क्लाइंट्स हैं वो आपसे जुड़ जाएंगे, तो ये एक हाई क्वालिटी लीड्स भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम लोग के पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ROI हम लोग डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, मतलब 150% से हम लोग 300% तक लेके गए हैं। तो उन्होंने आज के डेट में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि ऑफलाइन में मार्केटिंग कर रहे थे, जैसे कि न्यूज़पेपर पे एड्स डालना, टीवी पे एड्स डालना, इस तरीके के एड डाल रहे थे, बहुत पैसा खर्चा कर रहे थे, तो आज के डेट पे उन्होंने वो सारे एक्सपेंसेस को कट डाउन करके आज के डेट पे उन लोग डिजिटल सर्विसेज प्रेफर कर रहे हैं। तो ये आज के डेट पे, तो इससे उनका रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम लोग ब्लॉग कंटेंट भी बना सकते हैं कि उस कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल है उसको आप स्टोरी बेस करके लिख सकते हो कि उसका आप कैसे बेनिफिट कर पाए, उसका केस स्टडी भी बना सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिमोनियल बेस्ड कंटेंट। दूसरा जो चौथा जो है वो आपका लिस्टिकल्स। लिस्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टिकल्स, इट्स नॉट आर्टिकल, इट लिस्टिकल। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स के थ्रू आप कंटेंट को शेयर करते हो। जैसे कि हम लोग अपना ब्लॉग्स लिखते हैं, जैसे कि 15 ब्रांड अवेयरनेस स्ट्रेटेजी, 15, अब ध्यान देना 15 ब्रांड अवेयरनेस स्ट्रेटेजी, वहां पे हम लोग 15 पॉइंट्स मेंशन किए हैं हाउ टू डू द ब्रांड अवेयरनेस, 8 टिप्स फॉर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कैसे करना है उसके लिए 8 टिप्स, 15 टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है, जैसे कि ब्लॉगिंग भी एक कंटेंट मार्केटिंग है, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो 15 टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ये जो 15 ये हो गया, ये जो नंबर्स, ये हो गया लिस्टिकल्स, ठीक है। 20 वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये हो गया लिस्टिकल्स। इस टाइप का अगर ब्लॉग बनाओगे, आप लिख सकते हो आप कोई ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट चला रहे हो, तो 5 टिप्स फॉर यू नो हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया, या फिर 5 स्टेप्स हो गया, इस टाइप का कोई ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट को भी आप लिस्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टेप्स के थ्रू, टाइप्स के थ्रू, ये होता है लिस्टिकल। इसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद है यू नो अपकमिंग न्यूज़ एंड इवेंट्स, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो आपकी कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इससे आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है और ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। तो आप न्यूज़ एंड इवेंट्स को, जैसे कि आप कोई CSR एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई डोनेशन कर रहे हो, कोई प्लांटेशन कर रहे हो, या फिर कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो आपकी कंपनी में, उसको आप ब्लॉग पे फीचर कर सकते हो, उसको आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप कंपनी में कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करो, कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करो, कोई इवेंट सेलिब्रेट करो, कोई एम्प्लॉय का मोरल डेवलप करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसको आप ब्लॉगिंग ब्लॉग करके फीचर कर सकते हो कि हम अपने कंपनी में ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करते, एम्प्लॉयज को ऐसा रखते, कस्टमर्स को ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते। तो ये होता है, तो न्यूज एंड इवेंट्स, इसको आप ब्लॉग कंटेंट बना सकते हो। आज के डेट पे मैंने बताया कि इस वीडियो में कि किस तरह से 5
सक्सेस स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो आप अपने बिजनेस में और उसको ब्लॉग कंटेंट बना सकते हो, उस सक्सेसफुल ब्लॉग कंटेंट बना सकते हो। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, अगर आपको मार्केटिंग में कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, तो नीचे नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सेलोपेडिया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हमारे पास एक्सपर्ट्स रहते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, जैसे कि वेबसाइट का, सोशल मीडिया का, पीपीसी कैंपेन का, आपका कंटेंट मार्केटिंग का, आपको कॉपी राइटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, एड क्रिएटिव पर्सन बहुत सारे हैं, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, ऐसे बहुत सारे टीम है। तो आपको कुछ नहीं है, आप पहले आप एक काम कीजिए, कंसल्टेशन के हम लोग फ्री में देते, तो नीचे नंबर पे कॉल कर लीजिए, हम लोग आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करेंगे, आपको बिजनेस को, आपका बिजनेस का जो आरओआई है एंड सेल से उसको कंप्लीटली ग्रोथ करके देंगे, इसका हमारा पूरा गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।